आयुष मंत्रालय भारत सरकार के उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए स्थापित रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर जुगेंद्रनगर की तरफ से आज की स्टेक होल्डर मीटिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 2000 से नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड यानी राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे देश में किसानों, उद्योग जगत और शोधार्थियों, एकेडमिशियंस, कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि वैज्ञानिक संस्थानों के साथ कार्यरत है। उत्तर भारत के राज्यों में गत 1.5 वर्षों के अंदर रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर जोगिंदरनगर ने ऐसे परियोजनाओं या प्रयोगों या ऐसे व्यक्तियों से मिलने की कोशिश की जिन्होंने औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन में श्रेष्ठ कार्य किया है और आज वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन प्रयोगों को हमने अपने जड़ी बूटी बाजार पत्रिका के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं ताकि हम सब उनके प्रयोगों से, उनके अनुभवों से सीख सकें और औषधीय पौधों की खेती और उनके संरक्षण और संवर्धन के काम को आगे बढ़ा सकें। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे पौधे के बारे में नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के उस सफल प्रयोग का जिक्र करना चाहूंगा जिसे जिंदा फॉसिल प्लांट यानी दुनिया में इस भूमि पर सबसे पुराने पौधे के रूप में पहचान प्राप्त है और जिसका चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूं जिंको बाइलोबा की। जिंको बाइलोबा इस धरती पर सबसे पुराना पौधा है, मूलतः चीन का है, लेकिन 2005 में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड द्वारा पालमपुर के CSIR की लैब, जिसे हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IHBT के नाम से जाना जाता है, में इस पौधे को संरक्षण करने की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप इस पौधे को संरक्षण करने में सफलता हासिल हुई। आज 30,000 से ज्यादा पौधे तैयार करके IHBT द्वारा वन विभाग, किसानों और इच्छुक व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं और इनकी प्रयोगशाला में ये पौधे उपलब्ध हैं। रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर अपने सभी हितग्राहियों के साथ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके औषधीय पौधों के कृषिकरण निष्क्रिय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। IHBT द्वारा विकसित किए गए इन पौधों को वन विभाग से मिलकर और स्थानीय समुदाय के साथ बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म में जिंको बाइलोबा का जंगल विकसित करने का एक बृहद कार्यक्रम है जिसे चंबा जिला के भरमौर में स्थापित किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश, वन विभाग हिमाचल प्रदेश और वहां के स्थानीय सामुदायिक संगठनों की मदद से एक क्षेत्र का चयन किया गया है जिसे कि जिंको बाइलोबा के संरक्षण क्षेत्र के तौर पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परमाणु प्रदूषण से बचाने, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला दुर्लभ पौधा है जिंको बाइलोबा। CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिक कहते हैं कि जिंको बाइलोबा को समुद्र तल से 500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आदर्श होता है। 7 से 8 साल के बाद जिंको बाइलोबा से प्रति हेक्टेयर लगभग 2 लाख रुपए की कमाई इसके पत्तियों को का व्यापार करके की जा सकती है।
जिंको बायलोबा की पत्तियों के चिकित्सीय प्रभावों पर दुनिया भर में लगभग 300 वैज्ञानिक अब तक अध्ययन और शोध कर चुके हैं। तभी इस पेड़ के नए युग का शुरुआत सूत्रपात हुआ है। दवाई उद्योग में जिंको बायलोबा के पत्तियों की खूब मांग बढ़ रही है, क्योंकि इसमें मौजूद जिंकोलाइट्स व ग्लाइकोसाइड्स एल्जाइमर, कैंसर, जोड़ों का दर्द, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने व अवसाद जैसे लाइलाज रोगों में रामबाण है। इसे जिंको बायलोबा को स्मरण शक्ति वृक्ष भी कहा जाता है। अगर दूसरी तरह से देखें तो चीन का ये मूल धार्मिक पेड़ है और चीन का ये राष्ट्रीय पेड़ भी है। इस भूमि पर सबसे पुराने फॉसिल प्लांट के रूप में जिंको बायलोबा को जाना जाता है। इसकी बहुत धार्मिक महत्ता है। 7 से 8 साल में सालाना इससे 2 लाख रुपए तक की इनकम इसके पत्तियों से की जा सकती है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा सन 2000 में हिमालयी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, जो भारत सरकार की CSIR की एक अहम लैब है, उसमें राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड द्वारा एक परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें जिंको बायलोबा के संरक्षण और संवर्धन के लिए वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करने की पेशकश की थी। जिंको बायलोबा को संरक्षित करने के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स द्वारा वित्त पोषित इस योजना के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। संस्थान द्वारा 30,000 से ज्यादा पौधों को तैयार किया गया है और इसके संवर्धन की कई तकनीकों पर काम करते हुए इसके संवर्धन की सफलता इस संस्थान द्वारा हासिल की गई है। रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर जोगिंदरनगर द्वारा इस सफलतम परियोजना के प्रयोगों और अनुभवों को जानते हुए उपलब्ध पौधों को सामुदायिक संगठनों, समुदाय के साथ वन विभाग और आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर के चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में एक जंगल विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें IHBT पालमपुर द्वारा विकसित किए गए जिंको बायलोबा के पौधों को समाज द्वारा रोपित किया जाएगा और उससे होने वाली आय को उपभोक्ताओं के मध्य आजीविका सृजन के रूप में बांटा जाएगा। पर्यटकों, स्वास्थ्य लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए ये विकसित किए जाने वाला जंगल अपने आप में अहम भूमिका अदा करेगा।